टी20 वर्ल्ड कप का 2024 का खिताब जीतने वाली टीम इंडिया स्वदेश लौटने के बाद मुंबई में ओपन बस का टूर कर सकती है। भारतीय टीम ने लंबे वक्त के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस को खुशी दी। 2024 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर टीम इंडिया ने 11 साल बाद कोई ICC ट्रॉफी अपने नाम की। रोहित एंड कंपनी बाबरडोस में खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर टी20 चैंपियन बनी थी। अब टीम इंडिया वापस स्वदेश लौटने के बाद मुंबई में चमचमाती हुई ट्रॉफी के साथ खुली बस का दौरा कर सकती है। इससे पहले 2007 का टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद धोनी एंड कंपनी ने ऐसा किया था। 16 साल पहले जब टीम इंडिया ने MS धोनी की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप का पहला खिताब जीता था, उस वक्त धोनी की टीम ने मुंबई में ट्रॉफी के साथ बस परेड की थी। 2007 का टी20 कप दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था, जहां भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। अब सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि टीम इंडिया 16 साल पुराना नजारा दोहरा सकती है। रिपोर्ट्स में बताया कि बाबरडोस के लौटने के बाद टीम इंडिया खुली बस पर ट्रॉफी के साथ मुंबई का दौरा कर सकती है। हालांकि अभी इस बात को लेकर किसी भी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। बाबरडोस में फंस गई थी टीम इंडिया। बता दें कि 2024 विश्व कप का फाइनल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बाबरडोस में 29 जून शनिवार को खेला गया था। खिताबी मुकाबले में जीत के बाद टीम इंडिया चक्रवाती तूफान के चलते बाबरडोस में फंस गई थी। हालांकि अब सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि टीम इंडिया BCCI की स्पेशल फ्लाइट के जरिए बाबरडोस से दिल्ली के लिए निकल चुकी है और गुरुवार की सुबह तक दिल्ली पहुंच जाएगी। भारत ने जीता टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा खिताब। गौरतलब है कि टी20 वर्ल्ड कप का पहला एडिशन 2007 में खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी। फिर इसके बाद मेन इन ब्लू को फॉर्मेट का दूसरा खिताब हासिल करने के लिए 13 सालों का वक्त लग गया था। हालांकि इस बीच भारत ने वनडे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की।